श्री गणेशाय नमः। लेसन टू, कृष्णमूर्ति ज्योतिष के मुख्य नियम के बारे में जानेंगे। पहले हमने इसके पहले वीडियो में भी हमने मुख्य बिंदु को जाना था, उसी का कंटिन्यू सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो मुख्य बिंदु है उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट केपी ज्योतिष के अनुसार हर भाव का बढ़ावा भाव नकारात्मक होता है। जैसे कि विवाह का सकारात्मक भाव 2711 होता है, उसका नकारात्मक भाव तलाक या विवाह नहीं होने का 1610 होंगे। लाइक 2711 ये आपका मेन ये भाव है, इसका जस्ट बढ़ावा भाव उसका जस्ट बैक साइड का होता है। मीन्स 2 का बढ़ावा भाव 1, 7 का बढ़ावा भाव 6 और 11 का बढ़ावा भाव 10 होंगे। अगर ये सिग्निफाई होता है तो जातक का विवाह या तलाक से रिलेटेड जो भी समय पीरियड में अगर वो महादशा चल रहा है तो इजीली आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसका शादी या तलाक होने की पूरी संभावना है। शादी नहीं होने की और या तलाक से रिलेटेड है, अगर 50 साल के अंदर में जातक आता है 50 साल के बाद तो तलाक से रिलेटेड क्यूरी लेके आएगा, और उसका महादशा चल रहा हो और उस प्लैनेट का ये हाउस सिग्निफाई कर रहा हो 1610, तो उसका सवाल अगर तलाक से रिलेटेड होता है तो अब तलाक आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ तलाक संभव है। लेकिन वही जातक 25 साल के एज में आएगा तो सवाल उसका बदल जाएगा, बोलेगा विवाह होगा या नहीं होगा। अगर ये सिग्निफाई कर रहा हो और वही महादशा चल रहा हो तो इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि शादी नहीं होंगे। लेकिन सकारात्मक भाव क्या है, 2711 को सिग्निफाई कर रहा हो तो आप इजीली बोल सकते हैं कि उस जातक की शादी हो सकती है। उसी तरीके से केपी ज्योतिष के अनुसार 8 और 12 भाव भी नकारात्मक होता है, लेकिन CSL घटना से संबंधित मुख्य और सहायक भाव के साथ साथ 8 और 12 से संबंधित होता है। तो घटना तो घटित होती है लेकिन पूर्ण सुख या संतोष प्राप्त नहीं होता है। ये CSL और नक्षत्र और सब नक्षत्र जो हैं उप नक्षत्र, इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे वेबसाइट स्टॉक मार्केट EDU पे जाकर के लर्न कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा इसके बारे में स्पेशल वीडियो बनाने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट बिंदु है। केपी ज्योतिष के अनुसार शुभ और अशुभ भाव बाय डिफॉल्ट जो है स्टैंडर्ड तौर पे इम्प्रूविंग हाउस और नॉन इम्प्रूविंग हाउस जो है वो आपका इम्प्रूविंग हाउस में 1, 2, 3, 6, 10 और 11 है। ये एक स्टैंडर्ड केपी ज्योतिष के अनुसार शुभ और अशुभ हाउस को भाव को सिग्निफाई बताया गया है। इसमें से नॉन इम्प्रूविंग हाउस जो अशुभ भाव है 4, 5, 7, 8, 9 और 12 है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बिंदु का डिस्कशन करेंगे केपी ज्योतिष के अनुसार, जो ग्रह अपने ही स्टार में होते हैं वह ग्रह बलवान माना जाता है, और जिस ग्रह के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं होता है वह ग्रह भी बलवान माना जाता है। ये दो मुख्य पॉइंट है, इसको भी आप नोट करके रखिए। ये बहुत ही आगे जा करके आप अगर ज्योतिष केपी ज्योतिष के अनुसार विश्लेषण करना है तो ये दो मुख्य पॉइंट हैं केपी ज्योतिष के अनुसार, जो ग्रह अपने ही स्टार में होते हैं वह ग्रह बलवान माना जाता है, और जिस ग्रह के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं होता है वह ग्रह भी बलवान माना जाता है। नेक्स्ट बिंदु है केपी ज्योतिष में यदि घटना के मुख्य भाव CSL का उप नक्षत्र का स्वामी उन घटना को नकार दे तो घटना जीवन भर घटित नहीं होगा, लेकिन अगर SL नक्षत्र स्वामी घटना के पक्ष में हो तो घटना तो जरूर घटित होगी, और यदि उप नक्षत्र स्वामी के साथ साथ नक्षत्र स्वामी भी घटना के पक्ष में हो तो घटना सुगमता से घटित होगी। मीन्स SL घटना के पक्ष में हो तो घटना घटित होगी, लेकिन उप नक्षत्र भी अगर घटना के पक्ष में हो तो आसानी से घटित होगी। तो ये मुख्य पॉइंट है। इसी के साथ दूसरे थर्ड लेसन में हम डिस्कस करेंगे और नक्षत्र और उप नक्षत्र क्या होता है उसके बारे में आप हमारी वेबसाइट से जाके स्टडी कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बिंदु के साथ। तब तक के लिए यहीं भी वीडियो को एंड अप करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।